11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं वो डाली कोमल सी डाली 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबा कर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया विषहरा शामरीबारी दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान महाराज उस जगह पर शहद का मुख जो शहद आपने भिगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं ले रहा हो, पैसा भटक गया हो तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की कृपा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाता है।